हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट चबाना। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि जो ये हमारा टैरो टेबल होता है, जिसको कि हम अल्टर कहते हैं, जहां पे कि हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कार्ड्स की साधना करते हैं, उनको स्थान देते हैं, तो हमारी टेबल कैसी होनी चाहिए, ये हर किसी के काम आएगा आज का वीडियो। जितने मेरे जो है टैरो के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग अभी बिगिनर्स हैं, और सही तरीके से जब हम सही तरीके से इस ऑकल्ट के वर्ल्ड में आते हैं, तो हमारा अल्टर, हमारी जगह जहाँ पे कि हम इनको स्थान देते हैं और जहाँ पे कि ये सब प्रैक्टिसेस हम करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि हम कहीं पे भी कार्ड्स खोल के या कोई भी और हम जो रिचुअल कर रहे हैं, चाहे वो आप न्यूमरोलॉजी कहिए, चाहे क्रिस्टल्स के कहिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी कहिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी कहिए, तो हर चीज़ के लिए एक अल्टर चाहिए होता है, एक स्थान चाहिए होता है जहाँ पे कि जो चीज़ें रखी होती हैं वो किसी और चीज़ों में यूज़ नहीं होती। मतलब वहाँ की जो पेन है या स्टेशनरी है या जो भी कैंडल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो दूसरे घर के यूज़ में नहीं आती हैं। हम अपनी ये जो साधनाएं होती हैं, ये जो प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस हैं, ये हम डाइनिंग टेबल पे नहीं कर सकते, हम सेंटर टेबल पे नहीं कर सकते, हम पलंग पे बैठ के नहीं कर सकते, हम कार्ड्स को गोद में लेके नहीं कर सकते। दैट इज़ रॉन्ग। तो देखो, हमें जो है हर चीज़ को एक रिस्पेक्ट देनी होती है। बिल्कुल जैसे हम एक मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर के सामने ही जाके पूजा करते हैं ना। वहाँ की जो जोत होती है, घी होता है, अगरबत्ती होती है, माचिस होती है, रोली, टीका, चावल, हर चीज़ मंदिर के लिए अलग होता है, राइट, कि झूठा ना हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से जब हम टैरो का अल्टर बनाते हैं, तो उस वक्त भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब मैं आज बताने जा रही हूँ कि मैं अपना टैरो अल्टर कैसे बनाती हूँ। आप आज देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इससे अपने टेबल को अच्छे से साफ कर लिया है, और मैंने कल ही रात को रात देर तक बैठ के अपने टैरो अल्टर के लिए नया कपड़ा बनाया है, ठीक है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं ऐसे दिखाती हूँ पहले, फिर मैं आपको बिछा के भी दिखाती हूँ। ये मेरा टैरो का नया अल्टर का कपड़ा है, अल्टर क्लॉथ है, एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए मैं पहले कैमरे को उस तरह से फिक्स कर देती हूँ कि मैं कैसे अपना टैरो अल्टर बना रही हूँ, और मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊँगी। और जो समझ में ना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर जिन्होंने नहीं देखा टैरो अल्टर कैसे बनता है, तो आज देख लीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज माई टेबल, ये मेरा टेबल है, ठीक है। एंड आई लव माई टेबल, यहाँ मैं सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ, ठीक है। इसको मैं पूरा डाल देती हूँ, इसको पूरा ऐसे डाल देती हूँ। ये मेरा टैरो का अल्टर हो गया। यस, थोड़ा कैमरा आज डिस्टर्ब होगा, लेकिन कोई बात नहीं। टैरो अल्टर बनाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं होता कि हमें यही कलर चाहिए या ये कलर चाहिए, या ब्लैक नहीं यूज़ कर सकते या वाइट नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो कलर आपको पसंद है, आप उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपना टैरो पे अल्टर के लिए बिछा दिया। लेकिन क्या है, ये थोड़ा कपड़ा ऐसा है, तो इसको जब हम कांच को यूज़ स्प्रेड करेंगे, तो ये थोड़ा सा मुचड़ सकता है। तो इसके ऊपर मैंने एक और बनाया है, उसके ये हम उसको लगा रहे हैं, देखिए। ये मैंने एक और बनाया है, इसको हमने ऐसे डाल दिया। मेरे पास स्विंग मशीन नहीं है और मैंने अपने हाथों को यूज किया है, हैंड स्टिच से मैंने ये अल्टर बनाया है। सिर्फ बात होती है श्रद्धा की, रिस्पेक्ट की, ठीक है। यू कैन सी, अब आपको दिख रहा होगा, अब ये देखिएगा, ये मेरा अल्टर। अब इस अल्टर पे हमें क्या क्या रखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमें अपने अल्टर पे जब भी हम पूजा करते हैं, तो हम सबसे पहले इन पे पांच एलिमेंट्स रखते हैं। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं, पांच एलिमेंट्स
को हाजिर नाजिर जान के तभी हम पूजा करते हैं, है ना। तो देखिए हम क्या क्या रख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं हम क्या क्या रख रहे हैं। ये है हमारा सबसे पहला फायर एलिमेंट। इसके लिए मैंने क्या रखा, एक कैम्फर लैम्प है ये, और इसके अंदर मैंने ये कैम्फर डाला। सबसे पहले हम यही करेंगे क्योंकि ये हमारा प्यूरिफाई, हमने अपना चारो अल्टर करना है। ये देखिए ये हमने कपूर डाला इसमें, कैम्फर, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत 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 अच्छी खुशबू है। ये अभी हम जलाएंगे, इसको हम रख देंगे सामने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक जो है इसको जला देते हैं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसको जला देना, जलाने से क्या होगा, ये जगह एक्टिवेट हो जाएगी, मेरा टेबल, नया अल्टर मेरा जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चीज करेंगे ये हमारा वाटर एलिमेंट। ये है हमारा वाटर एलिमेंट, ये भी हमने रख दिया वाटर एलिमेंट, ठीक है। ये भी हमने एक अपना वाटर एलिमेंट भी रख दिया, इसको हम यहाँ रख देते हैं अभी के लिए, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसे हमने इसको सब कुछ किया, ठीक है। कैम्फर लैम्प तो जल रहा है, इसमें से जो निकलेंगी फ्यूम्स निकलेंगी उससे हमारी जो है एयर एलिमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको भी जला लेंगे, हमारी कैंडल, कैंडल भी आप कोई भी ले सकते हैं, मैं तो खैर मोस्टली अपनी कैंडल्स खुद बनाती हूँ, मुझे कैंडल्स बनाना बहुत पसंद है। ये देखिए ये मैंने कैंडल बनाई थी अभी, आपको इसका वीडियो भी मैंने भेजा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी कैंडल और ये नेगेटिविटी हटाने के लिए ये कैंडल है, ये मैंने खुद बनानी आपको सिखाई भी और रोज इसको मैं जलाती हूँ, राइट। अब ये देखिए इसको भी मैंने जला देना है, ये भी जल गया, ठीक है। अब ये रहा हमारा ये, अब इसको भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। देखिए हमारी पूजा की जगह है, उसको जितना सजा के रखेंगे उतना अच्छा है। तो मैंने ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, ये मैंने यहाँ पे सजाए, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, रोज क्वार्ट्ज है, लैपिस लाजुली है, हाँ कार्नेलियन है, अगेट है, ये हमने ऐसे रख लिए, ठीक है। और इसको भी हमने यहाँ पे इसको विराज कर दिया, ये वाटर एलिमेंट अभी हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। फिर ये देखिए, ये देखिए ये एक बहुत प्यारी सी डिब्बी है और इसमें मिट्टी है, मिट्टी है, और ये मिट्टी है शिरडी की, शिरडी की जहाँ हमारे साईं बाबा जी हैं, वहाँ की भभूत और मिट्टी मुझे किसी ने बहुत साल पहले ला के दी थी और तब से मैं प्रसाद के रूप में इस डिब्बी में रखा हुआ है। और ये है हमारा अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट भी, ठीक है। हमने एक अपने जो ये हमारे पास एंजल हैं, एंजल्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, आई लव एंजल्स, उनकी उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं, ये रहा। और अब हम आगे और क्या करेंगे, ये मेरा क्रिस्टल्स का बॉक्स है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर। अब इनको मैं यहीं पे अभी फिलहाल इसको ऐसे रख दूंगी, ये मेरे क्रिस्टल्स के बॉक्स में। अब मेरा जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है मेरा ये, देखिए ये जो है मेरा बॉक्स, इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे कार्ड्स रखूंगी, ठीक है। इसमें मैं ये जो है इसमें से मैं ये निकाल के अपने कार्ड्स के लिए इनकी जगह बनाऊंगी। कैसे, ये देखिए ये मेरे जितने भी कार्ड्स हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें मैंने और शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं और क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं, उनको मैं यहाँ रख दूंगी,
राइट, ये मैंने सब यहाँ रख दिए और इनमें मैंने अपने सारे के सारे कार्ड्स प्लेस करना मैंने शुरू कर दिया। ये मेरे एंजल कार्ड्स हैं, उसके बाद ये मेरे डॉरेन वर्च्यू के कार्ड्स हैं जितने आ जाए, उसके बाद ये जो हैं मेरे ये है मेरे ओशो जेन कार्ड्स हैं, ठीक है। अब इनको करने के बाद मेरे पास ये हैं मेरे टैरो कार्ड्स, जिनको कि मैंने एक बहुत प्यारे से कपड़े में रखा हुआ है। ये कपड़ा, ये बैग मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, आप अपना भी बना सकते हैं। और ये मुझे इतना पसंद है कि मैं अपने कार्ड्स में रखती हूँ, ठीक है, और इनको भी हम यहाँ रख देते हैं, राइट। और हमने ये जो बॉक्स है हमने यहाँ रख दिया, फाइन। अब हमने क्या करना है, हमारा एयर एलिमेंट के लिए हमारे पास अगरबत्ती भी है, राइट। तो अगरबत्ती भी जलाना बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। ये अगरबत्ती हम इसमें जला देंगे, ये हमारा अगरबत्ती स्टैंड है, कैसे लग रहा है? धीरे धीरे मेरा अल्टर बनता चला जा रहा है। मैंने यही सोचा था कि कल जब मैं अपना अल्टर के लिए कपड़ा बना रही थी, तब मैं ये सोच रही थी कि ये मैं अपने सारे लोगों के साथ एक्सचेंज करूंगी। ये देखिए, ये मेरे अगरबत्ती स्टैंड, ये भी एयर एलिमेंट आ गया, राइट। अब क्या रह गया है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, ये सॉल्ट। ये सॉल्ट हम जरूर रखते हैं। ये सॉल्ट इसलिए रखा जाता है कि जब हमारे पास कोई रीडिंग के लिए आता है तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम थोड़ा सा इसमें से निकालते हैं, इसमें से निकालते हैं और अपने पास इसे रख लेते हैं। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे बहुत पसंद है, इत्र। इत्र जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं इत्र ज़रूर लगाती हूँ, अपने अल्टर को इत्र लगाती हूँ, ताकि एंजल्स का आशीर्वाद मिले और जो है सबको सही सही रीडिंग्स मिले। एक मेरे पास ये है ओपल, ये असली क्रिस्टल है, रॉक है, ये शुक्र का है, शुक्र। तो शुक्र को हमेशा आप मजबूत रखेंगे तो जिनका शुक्र बहुत मजबूत होता है बहुत अच्छा होता है उनके लिए, जीवन की सारी लग्जरीज मिलती हैं, खूबसूरती मिलती है और जो चाहते हैं जीवन में मिलता है, प्यार मिलता है और बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो ये मेरे पास ओपल है, ये मैं ज़रूर रखती हूँ, ये असली ओपल है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मेरे पेन हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो मुझे मैंने अपने पेन को भी जो है डेकोरेट किया हुआ है फेदर्स के साथ, देख रहे हैं आप, इनके साथ मैंने इनको भी किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और एक मेरा वॉन्ड है, ये देखिए, ये मेरा चक्रास का वैंड है, ये रूट चक्रा है, ये सैक्रल चक्रा, ये सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, ठीक है, उसके बाद थ्रोट चक्रा, ब्रो चक्रा एंड क्राउन चक्रा, यू कैन सी। ये बहुत इसके अंदर कॉपर वायर्स लगी हुई हैं और इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत बहुत, ये मेरी जो है मैजिकल वैंड है, इससे मैं बहुत कुछ करती हूँ। इनको भी मैंने यहाँ रख लिया क्योंकि ये तो मेरा हथियार है, मेरे टूल्स हैं। हाँ, अब जब हमने इतना सब कुछ कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं हम रीडिंग कैसे करते हैं। हमने जैसे ये कार्ड्स उठाए और हमने अपने कार्ड्स निकाले और इनको भी हम इत्र लगाएंगे, अब कैसे, अपने हाथों में लेके और इनको हम पैम्पर करेंगे, ठीक है, पैम्पर करेंगे। पहले हाथ पे लगा के पहले हम यहाँ पे रेकी सिंबल्स डालेंगे, इनको जो है प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के बाद जो है कार्ड्स को हम अपने हाथ में उठाएंगे, हम अपनी प्रेयर करेंगे और उसके बाद जो है हम इनको शफल करेंगे और फिर हम इनसे अपनी
रीडिंग करेंगे इस तरह से करके। उसके बाद हम इसको इस तरह से यहाँ रखते हैं और अपना लेफ्ट हाथ लेते हैं। लेफ्ट हाथ क्योंकि हमारे हार्ट के पास होता है, दिल के पास होता है, तो और ये इंट्यूटिव हाथ भी होता है और ये रिसीविंग हाथ भी होता है ना। तो ये लेता है, ये इमोशनल हाथ भी होता है, ये फेमिनिन हाथ भी होता है। तो इसके बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए जो है टैरो कार्ड्स जो हैं हमेशा लेफ्ट से पकड़िए, रखिए उनको और फिर उनको इस तरह से स्प्रेड करिए। स्प्रेड करने के बाद जब भी आप कार्ड उठाएंगे तो आप अपने लेफ्ट से उठा के फिर उसको रीड करना शुरू करेंगे। तो ये है मेरा आज का टैरो अल्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपना टैरो अल्टर बना सकते हैं और खूब खुश हो सकते हैं। एक चीज मेरी रह गई, कैसे रह गई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक चीज कैसे रह गई हमारी, ये हमारी है गौतम बुद्ध। यस, ये हमारे बुद्धा हैं, सोल। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं पास से। ये देखिए हमारे बुद्धा हैं। किसी ने मुझे जो है लाके दिया था वहाँ से, छत्तीसगढ़ साइड से, वहाँ से लाके दिया था। और ये इनको मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। नाउ दिस इज माय टैरो अल्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपना अल्टर ज़रूर बनाइएगा। टैरो अल्टर नहीं, जो भी विद्या को आप ग्रहण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये पांचों एलिमेंट होने चाहिए। इवन स्टडी टेबल पे भी होने चाहिए। जितना ये पांचों जो है एलिमेंट्स होंगे, पांचों तत्व होंगे, तो फोकस, ध्यान सब कुछ लगेगा, आप जो भी कर रहे हैं उसमें लगेगा। देखिए मैं आपको बहुत पास से दिखाना चाह रही हूँ, आपको देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, ये मेरी बहुत फेवरेट जगह है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की अपनी टैरो टेबल, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है अपना टैरो टेबल बनाए हैं, अल्टर बनाएं। और अगर आप बिगिनर्स हैं, टैरो रीडिंग अभी कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्टर पे ही करें प्लीज़, बेड पे, सेंटर टेबल पे, या फिर डाइनिंग टेबल पे, या गोद में। मेरे बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे हाथ में पकड़ा और इधर से ऐसे ऐसे कार्ड निकाल रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है ना, हमें इनकी रिस्पेक्ट देनी है, ये हमारे बच्चे हैं। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, थैंक यू सो मच।